नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फॉरमैन चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बजाज डिस्कवर 100 सीसी का टापट का क्लियरेंस सेट करेंगे। तो दोस्तों, बजाज की हर बाइक में आपको 5 से 7 हज़ार किमी चलने पर इसका टापट क्लियरेंस सेट करना होता है, क्योंकि अगर इसका टापट क्लियरेंस आप टाइम पर सेट नहीं करेंगे तो इसमें मिसिंग का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बाइक को स्टार्ट करके आपको दिखा देता हूँ कि इसमें मिसिंग का प्रॉब्लम कितना है। तो दोस्तों, जब टापट का क्लियरेंस बिल्कुल कम हो जाता है तो इसी प्रकार का प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होता है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम इसके टापट का सेटिंग करके आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले इसका पेट्रोल टैंक हम बाहर निकालेंगे, और इससे पहले इसका जो सीट है वो हमें यहाँ से हटा लेना है। तो पेट्रोल टैंक, सीट और स्पार्क प्लग, एचडी कॉइल यहाँ से निकाल लिया है, और इसके बाद इसके कैप का 8 नंबर का 4 बोल्ट हटाने के बाद इसके टापट का क्लियरेंस सेट कर लेंगे। तो कैप हमारा निकल चुका है, और इसके बाद इसका टापट का क्लियरेंस है वो हम चेक कर लेंगे और सेट कर लेंगे। तो ये हमारा इनलेट टापट है और ये एग्जॉस्ट टापट है। इनलेट की तरफ से पेट्रोल का सप्लाई होता है, और एग्जॉस्ट की तरफ से जो गैसेस बनती है वो यहाँ से बाहर एग्जॉस्ट के जरिए आ जाती है। तो चलिए, पिस्टन को किस प्रकार से टॉप लेवल में लेना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये हमारा टाइमिंग चेन का स्पॉकेट है, और इसके ऊपर एक मार्क होता है टी का। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसको घुमाने के लिए हमें यहाँ पे गियर में डाल के किक लगाना है। आहिस्ता आहिस्ता, जैसे आप, तो यहाँ पर धीरे धीरे आप देख रहे हैं, ये हमारा टॉप लेवल का टी है, और यहाँ पे दोनों साइड में मार्क दिया गया है जो बिल्कुल इसके लेवल में होना चाहिए इस प्रकार से। तो ये हमारा टॉप पोजीशन है, और टॉप पोजीशन पर आप टापट का क्लियरेंस चेक कर सकते हैं। और इससे भी अगर आपको मालूम ना हो सके तो पिस्टन में जाके यहाँ पर आपको स्पार्क प्लग जो है वो निकाल देना है, और इसके बाद आप इसके अंदर स्क्रू ड्राइवर डाल के चेक कर सकते हैं। चलिए, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही आप स्पार्क प्लग के गैप में स्क्रू ड्राइवर को डालेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि हमारा पिस्टन टॉप पर है कि नहीं। तो यहाँ से भी आप पिस्टन को चेक कर सकते हैं कि पिस्टन टॉप पे है कि नहीं। तो सबसे पहले टापट को हाथ से चेक कर लेना है, अगर इसमें कोई मूवमेंट नहीं है तो ये फिट है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं। और इसके बाद मेरे पास गेज भी है, तो इनमें 2 नंबर और 3 नंबर का दोनों है मेरे पास। तो सबसे पहले इसमें 2 नंबर का फंसा के देखते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इसमें 2 नंबर का गेज भी है, वो नहीं फंस रहा है, तो 3 नंबर का तो जाने वाला ही नहीं है। तो सबसे पहले इसमें दोस्तों 3 नंबर के गेज से हमें सेट कर लेना है। अगर आपके पास गेज नहीं है तो आप दाढ़ी बनाने वाले ब्लेड से भी सेट कर सकते हैं। इस साइड में थोड़ा ब्लेड जो है वो हल्का सा फिट रहना चाहिए, और एग्जॉस्ट वाली साइड में थोड़ा सा लूज जाना चाहिए। तो सबसे पहले इसको 3 नंबर की गेज से हम सेट कर लेते हैं। तो टापट को सेट करने के लिए आपके पास 9 नंबर का रिंच होना चाहिए, और एक इसका स्पेशल टूल भी आपके पास होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसके बोल्ट को 9 नंबर के थोड़ा लूज कर लेते हैं, और लूज करने के बाद इसमें हम गेज डाल के थोड़ा इसको घुमा लेंगे।
और इसके बाद इसमें गिज को फंसा लेना है, और इसके बाद इसको थोड़ा सा पहले सबसे हाथ से कस लेना है। तो पहले हम इसमें टूल डाल देते हैं, और एक हाथ से इसको पकड़ने के बाद इसको हमें कस लेना है। तो ये हमारा इनलेट टापट सेट हो चुका है। तो चलिए मैं एग्जॉस्ट टापट सेट भी आपको करके दिखा देता हूं। तो सबसे पहले हम 9 नंबर से इसको खोल लेंगे, और इसके बाद में इसमें हमें 4 नंबर का गेज डालना है। जीरो जीरो चार, तो पहले इसे हमें थोड़ा सा खोल लेना पड़ेगा क्योंकि कुछ ज्यादा ही टाइट है। तो इसमें 4 नंबर का गेज हमने फंसा लिया है। और ये हो चुका है कंप्लीट। और इसके बाद दोस्तों जो 9 नंबर का नट है उसे हम कस लेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से टापट को सेट करना होता है, और एक बार इसमें गेज डाल के चेक कर ले, गेज जो है बिल्कुल इस प्रकार से इजीली अंदर आना जाना चाहिए। तो ये हो चुका है हमारा टापट का सेटिंग कंप्लीट। तो अब इसका जो कैप है वो सब हम लगा देंगे। ये वाला हिस्सा है इस तरफ आएगा, इस प्रकार से इसको लगा लेना है। और इसके 8 नंबर के 2 बोल्ट इधर है, 2 बोल्ट इसकी अपोजिट साइड में है। और यहां पर एक इसका ये पाइप है, यहां पे वापस हमें लगा लेना है। तो दोस्तों बाइक जो है वो हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, और इसका ट्रायल लेने के लिए मैं बाहर आया था। तो इसमें दोस्तों इसका टैंक भी साथ में हमने क्लीन किया, साथ में ही दोस्तों इसका एयर फिल्टर जो है वो क्लीन करने के बाद इसका एयर फिल्टर भी नया डाला है, साथ में ही दोस्तों इसका कार्बोरेटर जो पूरी तरह से क्लीन करने के बाद इसका जो ट्यूनिंग होता है वो भी हमने कर लिया है। तो दोस्तों बाइक हो चुका है बिल्कुल कंप्लीट। तो चलिए मैं एक बार आपको स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। पहले जो इसमें स्टार्टिंग की प्रॉब्लम थी वो बिल्कुल अभी कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना सा ही, मिलते हैं अगले ऐसे ही कोई टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।